जालिम और मोदी आ रहा है तो एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान की सियासत में कि जो जमात इस्लामी है उसके जो लीडर थे काजी हुसैन अहमद तो जब इलेक्शन हुआ करते थे तो इलेक्शन के दौरान उस पार्टी के लिए कहा जाता था जालिमो काजी आ रहा है इस्लामाबाद कोर्ट ने लापता बलोच तलबा के अदम बाजियाबी पर वजी और वजीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज करने का इंडिया दे दिया है। हैस्तान में इस तरह की बातों को लोग अब तो पसंद नहीं करते उसका जिक्र भी नहीं करते लेकिन जिक्र करना और इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है अब जालिमों काजी आ रहा है जो है यानी ये के डराने के लिए दीवारों पर लिख दिया जाता था उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई बाकी सब जो हैं वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं और अब किसी के कुछ नहीं चलेगी क्यों अब देखना यह है कि क्योंकि डिसीशन जो होते हैं ब्रिक्स में वो कंसेंसस की बुनियाद पर होते हैं वोट नहीं होता कि बस जो अक्सरियत ने फैसला कर दिया तो फैसला हो गया नमस्कार दोस्तों जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जबरदस्त खौफ है क्योंकि पाकिस्तानियों को और लगता है कि मोदी जी फिर से सत्ता में वापसी करने वाले हैं जिससे पाकिस्तान की खैर नहीं क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान की लंका लगाई है उससे पाकिस्तानी काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ब्रिक्स के लिए भी अप्लाई कर, कर चुका है पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनने देगा यही कारण है कि पाकिस्तानियों के सर पर भारत का काफी ज्यादा खौफ है साथ ही पाकिस्तान का अबू चीन भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकते है तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है हमने जैसे इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया तो ऐसा लगता है कि वो मोदी आ रहा है एक तो ये बात कही जा रही है जुबान जदयाम के भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया अब मोदी आ रहा है अब इंडिया आ गया अब जो है वो उन्हीं की चलेगी ऐसा आपको महसूस नहीं होता जो खबर है वो मैं उसकी तरफ अभी आती हूं लेकिन वो होता है ना कि वो एक मूवी बड़ी मशहूर और मारूफ मूवी है अगर आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इस मूवी को जो कि गब्बर सिंह उसमें एक कैरेक्टर है और उसमें वो जो है वो आ, कहता है कि उस, उसको बच्चे बच्चों को डराने के लिए जो माए हैं वो ये कहा करती हैं कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा है जी तो पाए ये जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर ये जो फॉर्मर इन्वॉय कह रहे थे और बातचीत करे थे और अब्दुल बासित साहब जो हैं वो उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हो रहा था कि भाई ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए मोदी आ रहा है अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में जो है वो राह फिर रही है राह की साजिश हो रही है और ये घुस घुस के मार रहे हैं और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया और इस तरह की खबरें तो ये तो अब और क्या कहा जाए कि एक तो ये कि जालिमो मोदी आ रहा है और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सोजो नहीं तो मोदी आ जाएगा ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जनाब आला और बातें तो ऐसी हो रही है। हम तो हैं हम तो नहीं कह रहे हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं लेकिन जो गुफ्तु की जा रही है जो कन्वर्सेशन हो रही है वो तो हमें यही बता रही हैं कि जो है वो इस कदर खौफ पैदा हो गया इस चीज़ का कि भाई वो तो उनके कंट्री के अंदर उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनकी जो अपनी इंटरनल सियासत है तो उसमें तो वो होगा ही होगा लेकिन जो पाकिस्तान में जिस किस्म की बातें हो रही हैं और जो जो एक वो फैलाया जा रहा है या जो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा उससे तो यही लगता पाए चूड़ियाँ पहन लिया या तो जुड़ गया मैंने या फिर वही बात कि गब्बर के आ जाएगा सो जाए चुप करके जो है ना माँ कहती है बेटा सो जाए नहीं तो गब्बर आ जाएगा अच्छा जी अब ये बात जो है ना दुनिया के लिए तो सही है मुझे नहीं पता मैं बालाकोट की बात नहीं करी कोई जंग होगी नहीं होगी उस तरफ से मतलब वो पागल हैं उनको किसने काट लिया है क्या यानी कि वो अपनी तरक्की को रोककर जो है वो किसी दूसरे पर हमला कर देंगे या वो कोई ऐसा कदम उठा लेंगे कि दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने भाई उनकी तरक्की पे वो जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी जिसको कहा जाता है वो वाली तरक्की वहां पर हो रही है वो अपनी तरक्की को क्यों रोकेंगे और क्यों इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जिसमें जो है वो कोई ऐसी बात हो कि वो सब कुछ जो है वो धड़न तख्ता हो जाए कि सभी सभी का ना सिर्फ ये कि हमारा बल्कि उनका भी तो अब महसूस ऐसा होता है महसूस क्या होता है देख लेना सभी आपके सामने है कि पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं वो वहां पे कहा जाता है जनाब हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए मतलब प्रेसिडेंट बाइडन तक ये कह रहे होते हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं मुझे ये पता चला है और मुझे वाकई ये पता चला है कि आपके जो ऑटोग्राफ है अब तो वो मुझे भी लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब भी आपका ऑटोग्राफ जो है वो मांगते हैं और लेते हैं और यहाँ पर इतनी आपकी पॉपुलरिटी है प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के वो कहते हैं कि ही इज किस बॉस तो मोदी अगर सबका बॉस पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है तो फिर तो ये कहना पड़ेगा जालिमो मोदी आ रहा है अब ये जो टर्म है ना ये ये जो सेंटेंस है वो हमें पता हम जान सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत है तो उसमें ये बात कही जाती है अब तो बल्कि वहां पे जो है वो पीटीआई वाले वालेबो तो इमरान आ रहा है तो इमरान ना तो कहीं जा रहा है ना कहीं आ रहा है क्योंकि वो है जेल में बंद बल्कि वो तो जो अदालत में लेकर आना था वो भी मना कर दिया कि उन्होंने कहा जो भी होगा ट्रायल वो सब जेल के अंदर ही होगा तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है वहां पर लेकिन हर जगह पर मोदी साहब आ रहे हैं और जा रहे हैं तो अब कंसेंसस से होता है अब देखना यही है कि कंसेंसस हो पाता है कि नहीं हो पाता इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमने अपना होमवर्क किया होगा हमने जब अप्लाई किया तो हमने मेजॉरिटी मालिक के साथ मेंबर्स के साथ हमने कंसल्ट किया होगा ख़ास तौर तो पे चीन के साथ रूस के साथ साउथ अफ्रीका के साथ भी और ब्राज़ील ये चूँकि वो कंट्रीज़ हैं जो पहले से मौजूद हैं ब्रिक्स के तो इनसे हमने बात की और फिर जब नए मेंबर्स आएंगे सऊदी अरब यूएई वगैरह तो इनसे भी हमने बातचीत की होगी ईरान से भी हमने, से भी हमने अब सपोर्ट के लिए कहा होगा और साथ साथ से भी तो वैसे तो कोई वजह नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान इसका मेंबर ना हो ब्रिक्स का क्योंकि हमारे अगर भारत इस इस क्षेत्र में भारत है ईरान है रशिया और चाइना तो पाकिस्तान को भी होना चाहिए और फिर हमारे खलीजी के साथ ताल्लुकात भी हैं सऊदी अरब और यू के साथ तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान इसका मेंबर ना हो बल्कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कल परसों किसी भारत के अखबार में तो उसमें ये कहा गया है कि जी अब भारत के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई है कि क्या वो पाकिस्तान की मेंबरशिप को पे एग्री करेगा इतफाक़ करेगा और साथ में ये भी रिमार्क्स थे कि पाकिस्तान क्या लेकर आएगा पाकिस्तान तो एक फेलिंग स्टेट है कोर्ट ऑन कोर्ट तो पाकिस्तान का होना क्या फ़ायदा देगा ब्रिक्स को तो अब इसके बारे मंदा क्या कमेंट करे कि पाकिस्तान कोई ऐसा छोटा मोटा मुल्क तो नहीं है पाकिस्तान दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ा जबरदस्त पोटेंशल है और अगर हम शंघाई कोऑपरेशन आर्गनाइजेशन के मेंबर हो सकते हैं तो हम ब्रिक्स के भी हो सकते हैं अब जो है फिर फैसला करना भारत का काम तो है भारत ने भी ये फैसला करना है कि वो आया इस पर खामोश रहेगा या फिर कोई पोजीशन लेगा क्योंकि भारत की ख्वाहिश तो यही होगी कि पाकिस्तान इसमें शामिल ना हो आ, और कुछ वो साथ एक नैरेटिव ये भी बिल्ड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान आ गया तो फिर वही पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला चलते हैं इस तो ब्रिक्स भी जो है उसी का शिकार हो जाएगी पाकिस्तान भारत के तल्ल की तो ये कोई कोई ख़ास आर्गूमेंट नहीं है क्योंकि हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी तो हैं और हम यूनाइटेड नेशन में भी हैं हम और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पाकिस्तान और भारत दोनों ही मेंबर्स हैं और बहुत से इंटरनेशनल इश्यूज है पाकिस्तान और भारत की पोजीशन कन्वर्ज भी करती हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है लेकिन आ, सवाल ये पैदा होता है कि हम तो शायद भारत से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकें इस वक्त तो एक ये परस्पेक्टिव भी बिल्ड हो रहा है कि भारत के होने की वजह से ब्रिक्स में और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह इनको काम करना चाहिए क्योंकि भारत का रुझान इस वक्त हुआ है अमेरिका की जानब वो उनका इस्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है क्वाड है और दूसरी आगन, उनके बाहर बाडिक बाइोलेट्रिक जो ताल्लुकात हैं डिफेंस में ख़ास तौर पे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से अभी आप देखिए ना भारत ने पोजीशन ली है फ़लस्तिन के मामले में और इसराइल के मामले में बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़ा है तो चीन और रशिया में तो बड़े تحفظات हैं तो दोस्तों पाकिस्तानी इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता को सत्ता में वापसी करने वाले हैं जिसे देखकर के पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान है पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत कभी भी पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनने देगा क्योंकि पाकिस्तान ने ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया है जिसमें पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान का अबू चीन पाकिस्तान की मदद करेगा साथ ही उन्हें लगता है कि रूस भी पाकिस्तान को मदद करेगा लेकिन पाकिस्तानियों को भारत का डर भी है पाकिस्तानियों को लगता है कि जब तक भारत मौजूद है तब तक पाकिस्तान को किसी भी बड़े फॉर्म में शामिल नहीं होने देगा साथ ही पाकिस्तान एक हाथ में कटोरा लिए घूम रहा है तो दूसरे तरफ पाकिस्तान बड़े बड़े फॉर्म में शामिल भी होना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान यदि दूसरे बड़े फॉर्म में शामिल हो भी जाता है तो पाकिस्तान लेकर के क्या जाएगा यही कारण है कि कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बने पाकिस्तान तो सिर्फ भीख मांगने का ही काम कर सकता है इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता आपकी कह रहा है कमेंट में और उसे एक या करें यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें जय हिंद वो अंध